और अधिक बातचीत के लिए एवन टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, देखिए हर पल हर मोड़ पर लगातार सियासी घटनाक्रम राजस्थान का बदलता जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि जयपुर में पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अब मामला पहुंच गया। किस तरीके से आप पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? राजनीतिक पर्यवेक्षकों का और पत्रकारों का अनुमान था जी कि एक बार हाईकोर्ट का फैसला होगा, फिर दोनों में से कोई पक्ष या तीनों में से कोई पक्ष, महेश जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी और सचिन पायलट गुट, तीनों में से कोई उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने प्रीएम्प्ट किया और हाई कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई पे रिक्वेस्ट भी की 24 तक कोई फैसला ना करें जी। अपने नोटिस पर, साथ ही उन्होंने एज डायरेक्टेड लिख दिया। इस पर सीपी जोशी ने आपत्ति की। मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड क्लियर करना चाहता हूं अपने दर्शकों को जी। भारत का संविधान जब बना था उसमें कई बातें अमेरिकी संविधान से ली गई थी, कई बातें जी ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। अमेरिकी संविधान से दो प्रमुख बातें ली गई थी जी। एक होती थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, किसी भी लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन स्तंभ होते हैं जी, और इनको सेपरेट किया गया था इस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के जरिए कि तीनों अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने मामलों में संप्रभु होंगे, अपने अपने मामलों में उनका फैसला अंतिम होगा, उनके अपने अपने मामले में जी। वो बिना हस्तक्षेप के काम कर सकेंगे। उस वक्त दल बदल कानून था, 10th शेड्यूल लागू नहीं हुआ, वो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू किया। 10th शेड्यूल के जरिए दल बदल पर रोक लगाई गई, इसलिए संविधान बनते समय ये बात नहीं थी कि 10th शेड्यूल होगा और 10th शेड्यूल के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष है वो उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर होगी, वो एक जुडिशियरी की तरह एक्ट करेगा, ये उस वक्त नहीं था। लेकिन बाद में जब भी आया जी, हालांकि वो विधायिका का प्रमुख है पर क्वासी जुडिशियल पावर एंजॉय करते समय भी क्या उसे वो स्वतंत्रता मिलेगी जो विधायिका के प्रमुख होने के नाते मिलनी चाहिए या मिलती है सेपरेशन ऑफ पावर के जरिए? ये बड़ा अहम सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं डॉक्टर सीपी जोशी कि वो एक विधायिका के संस्था के प्रमुख हैं जी, विधायिका को पूरी स्वतंत्रता हासिल है और विधायिका के प्रमुख होने के नाते उनके में जो क्वासी जुडिशियल पावर 10th शेड्यूल के जरिए लागू की गई है, उन्हें मिली है, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं और उस प्रक्रिया में न्यायपालिका बाधा नहीं डाल सकती, उस प्रक्रिया को नहीं रोक सकती जी। प्रक्रिया के बाद जो फैसला होता है फैसले को चैलेंज किया जाता है कि वो लीगल है या इलीगल है, नेचुरल जस्टिस के पक्ष में, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, भारत के संविधान के अनुरूप है या उसके खिलाफ है, ये बात फैसला आने के बाद चैलेंज की जा सकती है। लेकिन फैसला आने से पहले जो उनकी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करते समय जो प्रक्रियात्मक बात है नोटिस जारी करने की जी, उस प्रक्रियात्मक बात पर जुडिशियरी इंटरफियर नहीं कर सकती है जी। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि मेरी क्वासी जुडिशियल पावर है, मैं न्यायाधीश नहीं हूं लेकिन मेरे पास जो 10th शेड्यूल के जरिए क्वासी जुडिशियल पावर आई है उसको एंटरटेन करते समय भी मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं और मेरे इस पावर पर सुनवाई करने के अधिकार पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने पर कोई अदालत रोक नहीं लगा सकती, कोई अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने रिक्वेस्ट तो की थी उन्हें 24 तक कोई फैसला नहीं, लेकिन उसके साथ ही बी डायरेक्टेड लिख दिया जी, वो डायरेक्शन कोर्ट नहीं दे सकती, ये बात लेकर सुप्रीम कोर्ट गया जी। सुप्रीम कोर्ट में भी हुई बड़े बड़े वकील, कपिल सिब्बल देश के नामी वकील, वो डॉक्टर सीपी जोशी की पैरवी करेंगे और मुकुल रोहतगी व हरिहरन दो पैरवी कर रहे हैं सचिन पायलट गुट की तरफ से जी। और कौन कौन सामने आएगा अभी सामने पता लगेगा, 11 बजे सुनवाई होगी जी। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच में 3 सदस्यीय बेंच बनी है तो हमें वेट करना होगा उस समय तक का जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। लेकिन जी, एक नया डेवलपमेंट ये सामने आया है कि हाई कोर्ट में पता लगा है जब फैसले के लिए तय किया गया है 24 तारीख को केस जी, तब सचिन पायलट गुट की ओर से अर्जी लगाई गई है कि वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार को भी इसमें शामिल किया, पक्षकार बनाया जाए जी। सामान्यतः बहस पूरी होने के बाद जब फैसले में ऑर्डर्स में रखा जाता है केस जी, तब ऐसी अर्जी कभी नहीं लगाई जाती, लेकिन इस अर्जी को लगाने का मतलब ये है कि इस अर्जी पर भी अगर बहस होगी
तो फिर टलेगा और हाई कोर्ट का फैसला भी टलेगा जी। तो ये समय पास करने की एक्सरसाइज की तरह है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ अदालतों के जरिए, और अर्जी पे अर्जी लगाते रहे। ये बात पहले भी कह सकते थे वो जी, अमेंडमेंट लगाए तब कह सकते थे और उस वक्त बना सकते थे केंद्र सरकार को, क्योंकि अर्जी उनकी तरफ से, याचिका उनकी तरफ से दाखिल की गई है जी। उन्होंने ये अमेंडमेंट उस समय क्यों नहीं किया, ये आश्चर्य की बात है जी। लेकिन फिलहाल जो सारा राजनीतिक घटनाक्रम है वो भले किसके खेमे में कितने विधायक कहाँ कौन ठहरा हुआ है, कौन किसके कब्जे में है जी, इसकी अब चर्चा नहीं हो रही। चर्चा जुडिशरी के आंगन में जो ये कानूनी दांवपेच और युद्ध हो रहा है जी, इसकी चर्चा हो रही है जी। इसमें मैं मनीषा ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों को जी कि जो बात अमेरिकी संविधान से ली गई थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जी, उसी के साथ ही एक डॉक्ट्रिन है थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस जी। तो उसमें तीनों लोकतंत्र के स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर एक दूसरे को चेक करने का और संतुलन बनाने का, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसका भी एक प्रक्रियात्मक स्वरूप है इसमें निर्धारित है। लेकिन ये स्टेज वो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त चेक एंड बैलेंस के जरिए न्यायपालिका को विधानसभा अध्यक्ष के प्रक्रियात्मक कार्य करने के, जुडिशियली सुनवाई करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहिए। वो थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस उसकी परमिशन नहीं देती है जी। जी अनिल जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सीपी जोशी इस बात से आहत हुए हैं जब उन्हें कहा गया, आग्रह के साथ में आदेश जहां पर जोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं उस चीज से बहुत आहत हुए हैं और उसी वजह से एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, आहत होने की बात नहीं है, ये सवाल विधानसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की अपने आप में आजादी का सवाल है जी। उसे 10 शेड्यूल में जो और उसको उसका अधिकारी बनाया गया है उसको एक्सरसाइज करने के लिए, वो पावर एब्सोल्यूट है जी। वो पावर खंडित नहीं की जा सकती जी। ये सवाल जो डॉक्टर सीपी जोशी ने उठाया ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अहम सवाल है और आने वाले समय में स्पीकर के कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाला, खंडित करने वाला, आंशिक रूप से उसे बाधित करने वाला सवाल है, उसको लेकर वो गए सुप्रीम कोर्ट में। तो एक स्पीकर के नाते भविष्य की सभी विधायिकाओं के स्पीकर की तरफ से, वर्तमान की सभी विधायिकाओं के अध्यक्ष की तरफ से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया है कि जब उनको 10 शेड्यूल में दल बदल कानून के लिए एक जुडिशियल पावर दी गई है जी, उस पावर को एक्सरसाइज करते समय क्या वो निर्बाध रूप से एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जी, या उसको एक्सरसाइज करते समय भी न्यायपालिका दखल दे सकती है? ये बहुत अहम प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के लिए जी। और न्यायपालिका के ऐसे पल पल होते दखल को लेकर उसके से आहत होने वाले सभी विधानसभा अध्यक्षों को राहत देने वाला सवाल है जो उन्होंने उठाया सुप्रीम कोर्ट समय। वंस फॉर ऑल इसे डिसाइड होना ही चाहिए जी, वरना दल बदल कानून बेकार हो जाएगा। बिल्कुल अनिल जी, देखिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब मामला चला गया है तो संभावनाओं के क्या क्या विकल्प यहां पर देखे जा सकते हैं? नहीं, हमें बहुत सारे चैनल इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट और मैं थोड़ा बहुत कानून का जानकार भी हूँ, वकील भी रहा हूँ, मैं इसे उचित नहीं समझता कि कोर्ट क्या करेगा उसे चैनल के मंच पर डिस्कस किया जाए। जो लोग कर रहे हैं मैं उन्हें स्वतंत्र छोड़ता हूँ कि वो इस आजादी को, जो प्रेस की आजादी है जो आर्टिकल 19 के तहत संविधान ने हमें दिए स्पीच की स्वतंत्रता, उसको एंजॉय करते हुए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अदालत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है इस पर बहस नहीं की जानी चाहिए जी। ये भी न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने जैसा है मेरी नजर में। बिल्कुल, और हमको केवल इतना देखना चाहिए कि किन मुद्दों पर कौन क्या कहता है जी, कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट के मुंह से आने देना चाहिए। बिल्कुल जी अनिल जी, देखिए क्योंकि हम हमारे दर्शकों तक हर एक तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाते हैं, सही कन्वे हम करते हैं, तो एक जो गलतफहमी है, जो बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही हैं कि सीपी जोशी का जो ये कदम है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सीपी जोशी का ये जो कदम है वो सरकार के पक्ष में जा रहे हैं, ऐसा तो आप ये गलतफहमी कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं? देखिए, खुद सीपी जोशी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी और कुछ मीडिया को समूह को इंटरव्यू देते समय भी स्पष्ट किया है जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही
जी जब वकील खुद जज बन जाता है उसी हाई कोर्ट में जिस हाई कोर्ट में उसने पैरवी की होती है, जी उस जज को तो हम निष्पक्ष मान लेते हैं उसी हाई कोर्ट में जस्टिस देते हुए। बिल्कुल। तो मैं या कोई भी विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आए और फिर वो अध्यक्ष बन जाए तो हम उसको निष्पक्ष रहेगा ये क्यों नहीं मानते? वकील जिसने पेशेवर रूप से उसी हाई कोर्ट में पैरवी की होती है, केस लड़े होते हैं, वो जब जज बन जाता है और उसी कोर्ट में सुनवाई करता है तो वो तो निष्पक्ष है जी। पर एक विधानसभा अध्यक्ष जो किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आया विधानसभा अध्यक्ष बना जी। उनका कहना है कि पद की गरिमा और मर्यादा का ध्यान सबको रखना पड़ता है अगर संवैधानिक पद पर आप आ गए हो। बिल्कुल। जिस तरह जज बनने के बाद वकील वकील नहीं रहता, पक्षकार नहीं होता जी। किसी केस में पार्टी नहीं बनता, वो जज होता है, निष्पक्ष होता है। ऐसे ही स्पीकर भी विधायक किसी पार्टी चुनकर आया पर वो इस पार्टी से इस्तीफा देता है और ऊपर आसन पर बैठता है तो सदन की मर्यादा का, विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा का, गरिमा का और उन सभी संवैधानिक प्रावधानों का रक्षक होता है, ध्यान रखता है जी। जो उसमें निहित होते हैं जी। इसलिए उनका कहना है कि मैं संविधान द्वारा दी गई शक्तियों को और संविधान द्वारा दी गई मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तटस्थ और निष्पक्ष हूँ और मेरी तटस्थता पर निष्पक्षता पर भरोसा करना चाहिए। और मैं अगर किसी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट गया हूँ तो वो एक लीगल और संवैधानिक इशू है जी। अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए लगातार हर एक तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। राजस्थान मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, स्पीकर सीपी जोशी ने एसएलपी दायर की है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई न्यायाधीश अरुण मिश्रा, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बीआर गवई की खंडपीठ में होगी। खंडपीठ वीसी के जरिए सुनवाई होगी जिसके बाद अब सुप्रीम सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी संसदीय प्रणाली में न्यायपालिका के सीधे हस्तक्षेप से खासे नाराज है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 विधायकों को नोटिस जारी करने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को 24 जुलाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है। इस पर जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। जोशी ने कहा हाई कोर्ट में मौजूद प्रक्रिया पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में टकराव नहीं हो, इसीलिए उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने का फैसला लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी गई जिसे मंजूर कर लिया गया। जोशी का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल रहे। इस मामले में कोर्ट से यह गुजारिश की गई अपना निर्णायक फैसला। हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ बढ़े उससे पहले मैंने उचित समझा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एसएलपी दायर की जाए। मैं आशा करता हूं कि कोविड है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने निर्णय करने के संबंध में उनके पास बहुत से केसेस हैं, पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जिस क्राइसिस को सारे संसदीय लोकतंत्र के लोग देख रहे हैं, इसका निष्पादन करने के लिए ये आवश्यक है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के संबंध में कॉग्निशन लिया जाए जिससे ये फैसला हो सके कि एक अथॉरिटी और दूसरी अथॉरिटी की जो भूमिका है उसका संविधान के अंतर्गत जो एनविसेज किया गया है उस हिसाब से अपनी भूमिका का निर्माण। जोशी की नाराजगी साफ है। उनका कहना है कि संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा का स्पीकर और सभी संसदीय पदों पर बैठा व्यक्ति किसी न किसी पार्टी का होता है। संसदीय लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अलग अलग भूमिका निर्वहन करते हैं, इसलिए कानून ने सभी के लिए रोल तय कर रखे। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कैसे फंक्शन करे उस फंक्शन को भी हमारे जो चुने हुए साथी सरकमवेंट करना चाहते कानून के अंतर्गत एक नोटिस देना स्पीकर का काम है, निर्णय पर पहुंचना नहीं है। निर्णय पहुंचने की तो एक प्रक्रिया है। कोई भी विधानसभा में दल का जो नेता है, कोई सदस्य, नियम कानून के अंतर्गत